पूजा श्रीवास्त, तो आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की नवा रायपुर से। आपको बता दें, नवा रायपुर में 27 गांवों के किसान बीते 3 जनवरी से सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। जी हां, आपको बता दें, हैरानी की बात यह है कि आंदोलन स्थल से चंद मीटर की दूरी पर मंत्रालय, सचिवालय सहित सभी निगम मंडल के प्रमुख कार्यालय संचालित हो रहे हैं। वहीं बावजूद इसके किसानों के आंदोलन संपत्ति की ओर आज तक कारगर कदम नहीं उठाया गया। जी हां, आपको बताते चले, जिससे किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और आंदोलन की गति भी तेज होती जा रही है। इसी क्रम में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार का विरोध किया। जी हां, आपको बताते चले, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के किसान इन दिनों सरकार से नाराज चल रहे हैं। दरअसल जिन किसानों के दम पर कांग्रेस साल 2018 में सत्ता के शीर्ष तक पहुंची थी, वही किसान अब सरकार के खिलाफ सरकार के ही आंगन में नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नया रायपुर के 27 गांवों के किसान NRDA कार्यालय परिसर में है। बीते 3 जनवरी से डटे हुए हैं। दिन हो या रात, ठंड हो या बरसात, सभी किसान टेंट लगाकर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों की यह मांग कोई आज ही हो। साल 2005 में जमीन अधिग्रहण के बाद लगातार 5 सालों तक यानी 2010 तक किसानों को नियमानुसार उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया जाता रहा, मगर 5 सालों बाद भी मांग पूरी नहीं होने से नाराज किसानों ने 2010 में आंदोलन की शुरुआत की थी। 2010 से शुरू हुआ किसान आंदोलन आज 2022 तक अलग अलग स्वरूपों में जारी है। साल 2018 विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बतौर और विपक्ष काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने जो आज मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक बने हुए हैं, किसानों के आंदोलन में न केवल शामिल हुए थे बल्कि सरकार आने पर मांग पूरी करने का भी आश्वासन दिया था। मगर 2018 में सत्ता के परिवर्तन होने के बाद भी आज दिनांक तक मांग न पूरी होने से नवा रायपुर के किसानों में भारी आक्रोश है। वहीं जिन किसानों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आने का दम भरती हो, अगर वही किसान कांग्रेस सरकार से नाराज हो, तो यह फिर सत्ता और संगठन दोनों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। यही वजह है कि सत्ताधारी दल के संचालक प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला इस समस्या को रमन सरकार की देन बताते हुए इतिश्री करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको बता दें, हालांकि किसानों की ट्रैक्टर रैली के बाद राज्य सरकार की ओर से 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है जो किसानों की मांगों को लेकर अपना सुझाव देगी। वैसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 24/7 लाइव टीवी।